हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल UPSC इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है AGIC प्रवक्ता का हिस्ट्री भाग 2 है। तो दोस्तों, अगर आप TET, PGT और LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा हिस्ट्री है दोस्तों, व्याख्या है। बंगाल के किस शासक ने कहा था कि यदि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर किया जाए तो समुद्र में आग लग जाएगी। बंगाल के किस शासक ने कहा था कि यदि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर किया गया तो समुद्र में आग लग जाएगी। किसने कहा था? ऑप्शन एक है सरफराज खां बहादुर, मुर्शिद कुली खां, निजाबत अली खान, अली वर्दी खान। तो किसने कहा था दोस्तों? तो आंसर 4 हो जाएगा, अली वर्दी खान। ऑप्शन डी है जो 41 का, वो सही हो जाएगा। अला वर्दी खान ने कहा था कि अगर बंगाल से अंग्रेजों को बाहर किया गया तो समुद्र में आग लग जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित राष्ट्रकूट शासकों में से किसने जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय को उदारतापूर्वक संरक्षण दिया? राष्ट्रकूट शासकों में से किसने जैन धर्म को, जो जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय था, उसको संरक्षण दिया? किसने दिया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन एक है राजा धीराज, इंद्र द्वितीय, ध्रुव, अमोघवर्ष। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, अमोघवर्ष ने संरक्षण दिया था जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है फ्रेंड्स। निम्नलिखित सिख गुरुओं के कार्यकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, दे दिया है अमरदास, अंगद, रामदास, अर्जुन देव। तो ये क्रम से आपको याद करना है, जो गुरु हुए थे सिख में, टोटल 10 गुरु हुए थे और 10 गुरु में से ये 4 का नाम दिया गया है। तो उनके जो पद क्रम है उनको आपको याद कर याद रखना है कि वो कब से कम उनका कार्यकाल रहा है, तो उसी के अनुसार आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम 10 गुरु के जो थे उनके एक बाइज सीरियल वाइज प्रथम जो थे पहला नंबर पर वो थे गुरु नानक थे। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, गुरु नानक पहला पे हो गए, गुरु नानक दूसरा पे हो जाएंगे फ्रेंड्स, पहला पे गुरु नानक, पहला पे दूसरा नंबर पे आपके हैं गुरु अंगद, अंगद तीसरे पे हैं आपके, तीसरे नंबर पे अमरदास, अमरदास चौथे पे हैं फ्रेंड्स, चौथे नंबर पे आपके हैं रामदास, और पांचवें नंबर पे आपके हैं गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, और सिक्स नंबर पे हैं फ्रेंड्स आपके गुरु हर गोविंद, हर गोविंद। तो ये हो गया हर गोविंद सिक्स नंबर। सेवन नंबर पे कौन है फ्रेंड्स? सेवन नंबर पे आपके हैं हर राय, सेवन नंबर पे हर राय हैं। एट पे हो जाएंगे आपके हरि किशन, हर या हरि किशन रहेगा, हर किशन। और इसके बाद आपके जो नाइन नंबर पे हैं तेग बहादुर हैं, नाइन नंबर पे तेग बहादुर, तेग बहादुर। और आखिरी जो हैं आपके दसवां गुरु गोविंद सिंह जी हैं, गुरु गोविंद सिंह।
तो हमको यहाँ बस चार लोगों, जो पांच हैं शुरुआत के, उन्हीं को याद रखना है। पहला पे हैं गुरु नानक, तो उनको हटा दीजिए। दूसरे पे अंगद हैं, और तीसरे पे अमरदास हैं, रामदास हैं, अर्जुन हैं। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, तो पहला ए हो जाएगा अंगद का। फिर आपका इसके बाद पहला नंबर पे अंगद हो जाएंगे, दूसरा पे आपके रामदास हो जाएंगे, अंगद के बाद अमरदास। हाँ, तो ए वाले पहले पे हो जाएंगे, ए दूसरे पे हो जाएंगे, ए तीसरे पे हो जाएंगे, ए चौथे हो जाएंगे आपके गुरु। तो इस तरह आपका जो आंसर हो जाएगा, पहला तो ए दूसरा हो गया, और इसके बाद पहला दूसरा, पहला तीसरा चौथा। तो ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा वो दो सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो इसको सिस्टमेटिक ढंग से आप नोट कर कर कहीं लिख लीजिए, और इनको याद कर लीजिए कि कौन कौन से गुरु रहे हैं। गुरु नानक पहले हो गए, आखिरी के गुरु गोविंद हो गए, और तेग बहादुर हो गए। इस तरह आप याद कर लेंगे कुछ कुछ लोगों का, तो याद हो जाएगा। आगे देखिए, महाकाव्य रामायण के पांच स्पष्ट तिथि क्रम और सांस्कृतिक चरणों की पहचान की थी। महाकाव्य रामायण के पांच स्पष्ट तिथि क्रमगत और सांस्कृतिक चरणों की पहचान की थी। किसने की थी ये आपको बताना है। ऑप्शन एक है मोर्टिमर व्हीलर ने, सेल्डन पोलक ने, सी है पोला रिच मैन ने, और डी है जे एल ब्रांकिंगटन ने। तो आंसर हो जाएगा आपका डी जे एल ब्रांकिंगटन ने। जे एल ब्रांकिंगटन ने किया था रामायण के पांच स्पष्ट तिथि क्रम और सांस्कृतिक चरणों की पहचान। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इसमें से पहला वाला जो लाल महल किसने बनवाया था, तो इसका निर्माण बलबन ने करवाया था, तो ये सही है। और दरबार जो दरबार महल होशंग शाह ने, ये भी मिलान सही है, दूसरा भी मिलान सही है, हमको गलत बताना है। जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था, तो ये भी सही है, लेकिन लाल दरवाज़ा मस्जिद महमूद शाह ने नहीं बनवाया था, तो ये गलत हो जाएगा, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने इसको नहीं बनवाया था। आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, अमीर खुसरो के अनुसार किस अरब ज्योतिषी ने 10 वर्षों तक वाराणसी में रहकर ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया। अमीर खुसरो के अनुसार किस अरब ज्योतिषी ने 10 वर्षों तक वाराणसी में रहकर ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया। ऑप्शन एक है अबू मार, याकूब इब्न लैस, अल मसूदी, इब्न हाकल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 46 का, पहला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अबुल मार है, तो मार नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे रहना चाहिए फ्रेंड्स अबू मासर यहाँ पे रहना चाहिए, मासर, ये वाला सही रहेगा ऑप्शन। यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है, तो अबू मासर रहेगा। अबू मासर ने क्या किया था कि 10 वर्षों तक वाराणसी में रहकर जो विद्या है उसका उन्होंने अध्ययन किया था। आगे चलिए, 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद गजनवी के खिलाफ भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद गजनवी के विरुद्ध भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया था। ऑप्शन एक है जयपाल, दूसरा है आनंदपाल, तीसरा है सुखपाल, और चौथा है त्रिलोचनपाल। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, डी हो जाएगा, त्रिलोचनपाल ने महमूद गजनवी के विरुद्ध भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया था, त्रिलोचनपाल। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा है।
किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा है? आप आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर करिए। पेवर नियर, थेनेट नाट, बर्नियर मानुची। तो किसने किया है दोस्तों? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी, बर्नियर ने किया है। ठीक है, बर्नियर जो फ्रांसीसी यात्री था उसने काशी को भारत का एथेंस कहा है। आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय परिषद या इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय परिषद या इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया? तो आंसर जो हो जाएगा इसका दोस्तों कौन सा है ये आप बताइए। ऑप्शन एक है माल्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919, भारतीय सरकार अधिनियम 1919, इसको हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 भी कहते हैं इस वाले को, ये भी याद रखेंगे। सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों सी आपका सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। सूची वन को सूची टू से जो है सुमिलित करना है और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर को चुनना है। तो दोस्तों हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं फिर इसके बाद मिलान करते हैं। अब देखिए बेगम जो है बेगम किससे था, बेगम किसको कहा जाता था? तो जो बेगम होती थी वो शाही महल की से आने वाली सभी स्त्रियों को बेगम कहा जाता था। शाही जो परिवार है से आने वाली स्त्रियां क्या कहलाती थी? बेगम कहलाती थी। अगहा क्या होता था? तो अगहा होते थे फ्रेंड्स वो जो अन्य पत्नियां होती थी वो होती थी अगहा, उनको क्या बोलते थे? अगहा, अन्य पत्नियों को अगहा बोलते थे। स्त्री जो कुलीन परिवार में न जन्मी हो, अन्य पत्नियां जो कुलीन परिवार में न जन्मी हो उनको अगहा बोला जाता था, अन्य पत्नियां। अब आ गई बात अगाचा, तो अगाचा का फ्रेंड्स जो था वो उप पत्नियों को कहा जाता था। अगाचा जो कहा जाता था उप पत्नियों को कहा जाता था। अब रह गया ख्वाजा सर जो होते हैं वो गुलाम हिजड़े को बोला जाता था मुगल काल में इन सबको। तो ये मिलान अब कर लीजिए, पहला का पहला है तो पहला का सभी पहला ही दिया है, बी का चौथा है तो बी का चौथा इसमें दो हैं, तो हमारा सी या डी आंसर हो जाएगा। और इसके बाद सी मिलाते हैं तो सी का दूसरा है तो सी का दूसरा, तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? सी 1 4 2 3 ए वाला आंसर सही हो जाएगा, जो सी का ए वाला आंसर है वो आपका सही हो जाएगा। तो पहला का मिलान हो जाएगा फोर से, पहला का मिलान पहला से और जो आपका दूसरा का मिलान फोर से, तीसरा का मिलान दूसरा से और चौथा का मिलान तीसरा से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपके थे टोटल के टोटल 10 क्वेश्चन जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। क्या क्वेश्चन में दम है या सभी क्वेश्चन आपको आ रहा है? अगर सभी क्वेश्चन आ रहा है तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और नहीं आ रहा है तब भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और वीडियो को देखते रहिए दोस्त, अगर वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर लाइक करिए, क्योंकि हिस्ट्री जो क्वेश्चन है यह बहुत ब्रांड है, हिस्ट्री का जो पेपर होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए आप लोग हिस्ट्री पढ़ते रहिए। हिस्ट्री तीनों हिस्ट्री कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा मार्क्स लाएंगे जो हिस्ट्री से रहेंगे। तो हिस्ट्री का आप अन्य साल पेपर ज़रूर पढ़ते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन हिस्ट्री का वहीं से बनेगा, क्योंकि ये मैथ की ही तरह है कि आपको एक प्रकार से क्वेश्चन कहाँ से पुट होता है हर बार वहीं से मिलेगा क्वेश्चन, क्योंकि पुराना है रिपीट होगा, नया क्वेश्चन बनाया जाएगा लेकिन वो कहीं ना कहीं नया क्वेश्चन जो है पुराने क्वेश्चन से ही लिंक होकर उठेगा या उठाया जाएगा। तो दोस्तों आप अपने तैयारी को करते रहें, क्योंकि परीक्षा कब होगी ये आप नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन मान सकते हैं कि 2 से 3 महीना के अंदर परीक्षा हो सकता है। तो आप 3-4 महीने आपके पास है, 3 महीने
2 महीने 3 महीने या 4 महीने आपके पास हैं, आप अपने तैयारी में पूर्ण रूप से जुड़ जाइए और जितना हो सके किताबें पढ़िए, नोट्स पढ़िए और इसको नोट्स बनाइए, वीडियो देखिए, लेकिन पहले किताब पढ़ने के बाद किताब में जो हल कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट उसको करिए, इसके बाद ही आप वीडियो देखिए। किसी का भी वीडियो देखिए, हमारा भी मत देखिए, लेकिन आप क्वेश्चन पेपर खरीद लीजिए मार्केट से, उसको हल करिए, उसको हल करने के बाद ही वीडियो देखिए, क्योंकि आप बिना क्वेश्चन पेपर किए कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते, क्वेश्चन पेपर आपको हल करना पड़ेगा।